गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ। यहाँ पर हम इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल नामक चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। इसकी एक समरी हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल की समरी। इस समरी में एक कैदी है जो ऑल लेवल की एक परीक्षा देना चाहता है, जर्मन में जो ऑल लेवल की परीक्षा होती है, और यहाँ पर कैदी के रूप में वो जेल के अंदर बंद है और कुछ अधिकारी उसकी सुरक्षा के लिए भी लगाए हुए हैं। और दूसरे ये कि ये इस तरह का कैदी है कि ये 3 बार पहले भी जेल तोड़ चुका है, और यहाँ इस कहानी में वो जो जेल तोड़ पाएगा या नहीं इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो समरी देखते हैं। इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल इज ए कॉम्प्लेक्स स्टोरी वेयर द राइटर कॉलिन डेक्स्टर अराउजेस द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड सस्टेन इट थ्रू आउट द नरेशन। इवांस ट्राइज एंड ऑल लेवल नामक इस पार्ट में एक उलझन है, कहानी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और लेखक जो कॉलिन्स डेक्स्टर हैं वो यहाँ पर पाठक की उत्सुकता को जगाए रहते हैं और सस्टेन इट थ्रू आउट द नरेशन। और जब तक कहानी चलती है तब तक पूरी कहानी में ये उत्सुकता पाठक की बनी रहती है कि व्हाट इज द नेक्स्ट, आगे क्या होगा। द एंटायर स्टोरी इज ए वार ऑफ विट्स बिटवीन द क्रिमिनल एंड द जेल अथॉरिटीज। ये संपूर्ण कहानी एक युद्ध है बुद्धिमत्ताओं के बीच में, क्रिमिनल अपराधी और जेल की अथॉरिटीज, यानी कि जेल अधिकारी और क्रिमिनल के बीच में जो बुद्धि का युद्ध है, दिमाग का युद्ध है, वो देखने को मिलता है। डेस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द प्रिजन ऑफिसर्स, जो प्रिजन के अधिकारी हैं पूरा प्रयास करते हैं कि यह इस जेल को तोड़ के ना भागे, द क्रिमिनल आउटविट्स डैम, और फिर भी अपराधी उनको धोखा देकर निकल जाता है। तो देखिए स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। द स्टोरी इज अबाउट इवांस हु इज यंग क्लेप्टोमैनिक एंड इज निकनेम्ड एज इवांस द ब्रैक, यानी कि कहानी में इवांस एक युवा क्लेप्टोमैनियाक है और यहाँ पर उसको इवांस नाम के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो खूबी है वह है द ब्रैक, यानी कि जेल तोड़ने वाला। ही गॉट हिज नेम बिकॉज ही वॉज क्वाइट गुड एट ब्रेकिंग आउट ऑफ प्रिजन्स। उसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वह कई बार जेल तोड़ चुका है। दिस टाइम ही इज कैप्ट इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन। अब की बार वह ऑक्सफोर्ड नाम की कैद में बंदी है। द ऑफिसर्स आर एक्स्ट्रा अलर्ट रिगार्डिंग इवांस, और जो ऑफिसर हैं इसके प्रति अधिक जागरूक हैं। इवांस एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू अपियर इन ए ऑल लेवल एग्जाम इन जर्मन। जर्मन में जो ऑल लेवल की परीक्षा होती है वह उसमें बैठने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है। एंड द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन कॉन्टेक्ट द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑन टेलीफोन। जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर हैं वो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनसे टेलीफोन पर इस बारे में बात करते हैं। द सेक्रेटरी एग्रीज आफ्टर कन्फर्मिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द क्रिमिनल्स। जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो इस बात से सहमत हो जाते हैं और कन्फर्म करते हैं कि ये क्रिमिनल के जो डिटेल्स है, जो उसका डाटा है, वो किस तरह का व्यक्ति है, वो इस परीक्षा को दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इस तरह की पूरी जांच करते हैं। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ए प्रिजन फॉर्म सेट मैरी मैगेस टू एक्ट एन एज एन इन्विजिलेटर। और बोर्ड की तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम था सेंट मैरी मैगेस। वो वहां पर निरीक्षण के लिए आते हैं एंड प्रोमिसेस टू सेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थ्रू हिम, और उसी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज वहां जेल में भेजते हैं। जेम्स डेडफ्रिक इवांस हैज स्टार्टेड
attending attending night's classes in all level German in the prison premises. और जेम्स रेडरिक इवांस क्या है, अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है रात की क्लासेस में जो ऑल लेवल जर्मन की होती हैं जेल के अंदर ही, वहीं पर उसको परमिशन मिल जाती है. हिज ट्यूटर विशेज हिम गुड लक वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन. उसके जो ट्यूटर है पढ़ाने वाले शुभकामना देते हैं उसको अच्छे भाग्य के लिए परीक्षा से एक दिन पहले. एंड मेक्स इट क्लियर दैट ही वॉज हार्डली एनी चांस ऑफ गेटिंग थ्रू. बट इवांस गिव एन आयरोनिकल ट्विस्ट टू द ट्विटर ऑब्जर्वेशन बाई सेइंग आई मे सरप्राइज एवरीबडी. और इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक अवसर जो उसको मिला है वह उसका पूरा फायदा उठाएगा. लेकिन इवांस एक आयरोनिकल ट्विस्ट, एक बहुत ही अलग तरह के अंदाज में उनके साथ पेश आता है. ट्विटर के ऑब्जर्वेशन में वो कहता है कि मैं जैसा आप चाहते हैं उसी तरह का ठीक प्रयास करूंगा. आई मे सरप्राइज एवरीबडी, और आप देख लेना मैं सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगा इस परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके द्वारा. टू प्रिजन्स ऑफिसर्स जैक्सन एंड स्टीफन्स हैव बीन अपॉइंटेड टू कीप विजिल अपॉन इवांस. दो कैदी ऑफिसर, जेल के ऑफिसर्स वहां पर नियुक्त किए जाते हैं, जैक्सन और स्टीफन्स, ताकि वे निगरानी कर सकें इवांस की देखभाल के लिए और वह कोई गलत कदम न उठाए. बिफोर द एग्जाम, परीक्षा से पहले, स्टीफन्स टेक्स अवे हिज रेजर आफ्टर इवांस हैज सेव्ड हिमसेल्फ. वे स्टीफन्स जो है उसका रेजर जो है इवांस से दूर ले जाता है अर्थात उसे वापस ले लेता है, और जिससे वे स्वयं सेविंग किया करता था. जैक्सन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बेबल हैट. जैक्सन एक विशेष प्रकार की जो उसकी टोपी है बहुत गंदी है, लाल और सफेद रंग की है, लेकिन वह उसको बबल हैट कहता है, उसको उसका नाम बबल हैट रखा हुआ है. बट समवन डज नॉट इंसिस्ट ऑन इट्स रिवॉल्व एज इट इज लकी चार्म ऑफ इवांस. वह मानता है कि किसी के लिए भी यह एक लकी हैट है, लेकिन वह इसके लिए जिद नहीं करता और उस हैट को भी उतार कर वह अपने अधिकारी को देता है. रेवरेंड स्टड एमसी लेरी द इन्विलेटर मेक्स हिज एंट्री इन द प्रिजन प्रमिसेस एट इज एस्कॉर्टेड टू इवांस. अब यहां पर देखरेख के लिए एक अधिकारी स्टुअर्ट एमसी लेरी को नियुक्त किया जाता है ताकि वह परीक्षा के दौरान यह सारी जांच करे और देखे कि परीक्षा ठीक प्रकार से होती है या नहीं. एंड एस्कॉर्टेड टू इवांस सेल हु इज फाउंड कंसल्टेटिंग ऑन हिज टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री ग्रामर जर्मन ग्रामर. वह पता है कि वो जो कैदी है वहां पर वह पूरी तल्लीनता के साथ अपना ध्यान लगाए हुए है अपनी उस किताब पर जो जर्मन ग्रामर से रिलेटेड है, उसमें जर्मन ग्रामर के बेसिक सिद्धांत दिए हुए हैं, वह उनका अध्ययन करता है. इवन दो इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस, फिर भी इवान यहां पर उतना ही सुरक्षित है जितना कि वह अपने घर में. द गवर्नर इज एप्रीहेंसिव एंड टेल्स हिज ऑफिसर्स टू सर्च एमसी लेरी. यहां पर जो गवर्नर है वो ये इस बात को लेकर आश्वस्त है और वह अपने ऑफिसर्स को यह भी बताता है कि सर्च कि आप एमसी लेरी की पूरी तलाशी लें, उसके पास कुछ अवैधानिक चीज ना हो. हिज सूटकेस इज रिफिल्ड क्यूरियोसिटी थ्रू. उसका जो सूटकेस है वो भी पूरी तरह से देख लिया जाता है कि उसमें कोई चीज तो नहीं है. द प्रेजेंस ऑफ ए सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग सरप्राइजेस दैट देम बट दे आर इन्फॉर्म्ड दैट एमसी लेरी इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स एंड रबर
रिंग हेल्प्स हिम इन सिटिंग इन ए पर्टिकुलर पोजिशन फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पर जो ये कैदी है वो किसी हद तक एक पाइल्स की बीमारी होती है, उसके कारण हाथों में रबर के रिंग पहने हुए हैं, और ये भी जांच की जाती है कि रबर के रिंग क्यों पहने गए हैं, तो ये उसके बैठने में उसकी मदद करते थे क्योंकि उसे बवासीर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी में ये रबर के रिंग उसकी सहायता करते हैं। ये जांच ली गई थी, बात ये अतिरिक्त नहीं थे। बोथ द ऑफिसर्स फील सेटिस्फाइड एंड द इन्विजिलेटर इट अलाउड इन टू द सेल। जब दोनों ऑफिसर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो इन्विजिलेटर को अंदर सेल में आने की अनुमति प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस समरी विल बी कंटिन्यू ऑन टुमारो। आई होप दैट यू विल राइट दिस समरी इन योर नोटबुक प्रॉपरली एंड रीड द हिंदी वर्जन ऑफ दिस समरी विच आई हैव सेंट यू 3 times। ओके, थैंक यू वेरी मच।